आज हम बात करेंगे विटामिन B6 के बारे में, जिसके बारे में शायद हमें पता नहीं हो, पर ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है और इसके बारे में आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस में यूज़ होता है। तो अगर आपको इसकी डिफिशियंसी हो गई तो आपके बॉडी के लिए बहुत ही प्रॉब्लम कर सकता है। तो क्या आप जानना चाहते हैं विटामिन B6 के बारे में? तो मेरे इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। हरे कृष्णा, वेलकम टू हेल्दी फास्ट। तो पहले बात करते हैं कि विटामिन B6 क्या है। इसका केमिकल नेम है पाइरिडॉक्सिन। आपको बहुत सारे मेडिसिंस में शायद ये पाइरिडॉक्सिन नाम देखने को मिले, क्योंकि मेडिसिंस में मेनली विटामिन B6 मेंशन नहीं रहता, क्योंकि ये कॉमन नेम है, तो इसीलिए इसका केमिकल नेम दिया रहता है जिसका नाम है पाइरिडॉक्सिन। तो अगर आप इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो बहुत इजीली वाटर में घुल जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसे हम ज्यादा देर पानी में नहीं रख सकते, इसे हमें जल्दी से पानी से निकाल के कंज्यूम करना पड़ेगा। और अगर आप ज्यादा देर तक इसे पानी में रख के खाएंगे तो पूरी तरीके से पानी में घुल जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा और आपकी बॉडी की जो नीड्स है वो भी पूरी नहीं होगी, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस में काम आता है, जैसे कि है प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में, जैसे कि सभी विटामिन्स भी काम करते हैं, वैसे इसका भी यही काम है। और सेकेंड है रिक्रिएशन करना, किसका, रेड ब्लड सेल का। और अगर आप उस विटामिन को ज़्यादा देर पानी में रख के कंज्यूम करते हैं तो आपके बॉडी में तो बिल्कुल भी विटामिन B6 नहीं गया। इसके बाद भी आप अगर सोचते हैं कि हमारा बॉडी विटामिन B6 बना लेगा, तो आप इस भी कंफ्यूजन में नहीं रहिए, क्योंकि हमारा बॉडी विटामिन B6 नहीं बनाता, इसे हमें बाहर से ही कंज्यूम करना पड़ता है। इसीलिए आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसे कंज्यूम कर लीजिए। और अगर आपको कोई डिजीज भी हुई है तो आप टेंशन मत लीजिए, ये विटामिन B6 आपको उससे भी प्रोटेक्ट करता है। अब इसके बाद देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या है हमारे बॉडी में। तो फर्स्ट है, ये हमारे मूड को इम्प्रूव करता है और जो हमें डिप्रेशन के सिम्टम्स दिखती है उससे भी हमें प्रिवेंट करता है। ये हमें मेनली डिप्रेशन और मूड स्विंग से बचाता है। ये रेगुलेट करता है हमारे इमोशंस को, हमारे डोपामिन को। तो ये जो डोपामिन है ये बहुत ही अजीब चीज़ है, क्योंकि जो आपको चीज़ करने में अच्छा लगता है या जिस चीज़ की आपको नशा है, ये नशा कोई भी चीज़ का हो सकता है, बस ड्रिंकिंग और स्मोकिंग का नहीं, कोई भी चीज़ का नशा हो सकता है। जैसे ही आप उस चीज़ को देखते हैं आपका ब्रेन डोपामिन को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, जिससे आपको उस चीज़ को लेने का बहुत ज़्यादा मन होने लगता है। तो ऐसे ही हमारे बॉडी में काम करता है। और सेकेंड है, ये हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर कोई भी प्रेग्नेंट मदर है उनके बेबी के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उनके बेबी के ब्रेन ग्रोथ में ये बहुत हेल्प करता है। थर्ड है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये रिक्रिएशन करता है रेड ब्लड सेल का, ये जब हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन स्टार्ट करता है तब हमारे बॉडी को एनीमिया से प्रोटेक्शन मिलता है, मतलब ये हमें एनीमिया से भी प्रिवेंट करता है। और अगर हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में ठीक मात्रा में बन गई तो ये हमारे ऑक्सीजन सप्लाई को भी बढ़ा देता है, जिसके वजह से हमें मूड स्विंग जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होती और हमें नींद भी नहीं आती, इसीलिए हम फुल डे एनर्जेटिक फील करते हैं। तो ये तो कुछ पॉइंट्स विटामिन B6 के बेनिफिट्स के बारे में। तो अब देखते हैं इसके सोर्स क्या है। तो इसके जो हाई फूड सोर्स है उसमें वेजिटेबल्स में है स्वीट पोटैटो, कैरोट, स्पिनच, ग्रीन वेजिटेबल्स, एवोकाडो। और फ्रूट्स में हैं बनाना, पपाया, ऑरेंज और कैंटालूप। नट्स में हैं पीनट्स, सनफ्लावर सीड्स और पिस्ता। तो ये थे कुछ सोर्स विटामिन B6 के। तो आप इसे अगर ठीक मात्रा में कंज्यूम करेंगे तो आपको विटामिन B6 से कभी भी डेफिशिएंसी नहीं होगी। आप इसे मेनली 100 माइक्रोग्राम ही कंज्यूम करिए, वरना अगर आप इससे ज़्यादा इसे कंज्यूम करेंगे तो ये आपके लिए टॉक्सिसिटी हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ पॉइंट्स विटामिन B6 के बारे में। तो अगर आपको मेरे इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।
प्रश्न है।